Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, and I welcome you all in the 15th lecture of biology for grade 9. Today we discuss the topic conservation of biodiversity in Pakistan. Okay, in previous lecture we discussed about the deforestation importance, its causes and its effects, and how we prevent the deforestation, like we apply the afforestation phenomena in the reforestation. In deforestation we repair the damaged trees, and afforestation we grow the new trees. So conservation of biodiversity in Pakistan, unit 3, aap log ka book page 57 pe hai, to aap log book page 57 open kare. So the topic is conservation of biodiversity in Pakistan. In Pakistan, the main issue of conservation of biodiversity include deforestation and hunting. इससे पहले हमने ओवरऑल वर्ल्ड में पढ़ा, लेकिन अब हम पाकिस्तान में पढ़ेंगे. तो पाकिस्तान में मेन इशू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफॉरेस्ट्रेशन है और हंटिंग है. बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की दो वजह है, एक डिफॉरेस्ट्रेशन है, ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, और दूसरा जो है वो हंटिंग है. तो डिफॉरेस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि रिमूवल ऑफ ट्रीज. तो जब ट्रीज रिमूव होंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डिजर्ट्स बनेंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जिसका ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या होगा, फ़र्क होगा. क्योंकि अगर आप लोग डिजर्ट्स को देख लें तो उन लोग की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, और अगर आप लोग फॉरेस्ट को देख लें तो उन लोग की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है. हंटिंग का मतलब किलिंग, ठीक है, जब आप लोग हॉबीस या और रीजंस के बेस पे किलिंग करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का शिकार किया जाता है, तो इनको हंटिंग कहते हैं. तो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से भी हमारे बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग को बताया है कि फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट है, रहने की जगह है मुख्तलिफ प्लांट्स के लिए. अगर आप लोग फॉरेस्ट में जाए तो वहाँ पर मुख्तलिफ प्लांट्स होंगे, मुख्तलिफ एनिमल्स होंगे, इसके साथ साथ बर्ड्स भी होंगे. और हंटिंग होगी ऑर्गेनिज्म की, तो जब हंटिंग बहुत ज़्यादा होगी, शिकार बहुत ज़्यादा होगा, तो वो एनिमल्स फाइनली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. और अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान में फॉरेस्ट ने जो एरिया कवर किया है वो ओनली 5.2% है, विच इज़ वेरी लेस. अगर हम डिवेलपिंग कंट्री को देख लें तो वहाँ पर 25% है. तो 5.2 और 25% में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है. पाकिस्तान में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है ये क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है. इसका जो ख़त्म होना है, श्रिंक होना है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है. अगर कोई डिवेलप कंट्री है, तरक्की याफ्ता कंट्री है, तो उसमें फॉरेस्ट 25% है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5.2% है. तो पाकिस्तान में अगर फॉरेस्ट कम है तो इनके साथ बायोडाइवर्सिटी भी लेस होगी, ठीक है. सिमिलरली मैनी स्पीशी हैव बीन बिकम एक्सटेंड आर एंडेंजर्ड. अब बहुत ज़्यादा स्पीशी एक्सटेंड और एंडेंजर्ड है. एक्सटेंड का मतलब जो ख़त्म हुए हैं, ठीक है, फिनिश हुए हैं, और एंडेंजर्ड का मतलब जो जिनको खतरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा स्पीशी ख़त्म भी हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर फिशिंग इन रिवर. ओवर फिशिंग का मतलब जब हम ज़्यादा फिशिंग करते हैं. देखिए, अगर हम फिशिंग को देख लें तो यही फिश हम खाते हैं, ये हमें प्रोटीन देते हैं, ये डिफरेंट सोर्सेज के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन जब आप लोग खास अमाउंट में हंटिंग करते हैं तो इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है. लेकिन जब ओवर हंटिंग की जाती है, ओवर फिशिंग की जाती है, ओवर डिफॉरेस्ट्रेशन की जाती है, तो फिर हमारे लिए नुकसान होते हैं, ठीक है. मीन्स के इसलिए तो कहते हैं कि हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, ना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ना कम. लेक्स एंड पॉन्ड्स हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ मैनी फिश स्पीशी लाइक शेरमही, महाशेर.
ये दोनों स्पीशी के लिए खतरा है कि ये क्या ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे ड्यू टू ओवर फिशिंग। सिमिलरली मार्को पोलो शीप आप लोगों के बुक पेज 57 पे दिखाया है, मार्को पोलो शीप जिसके हॉर्न्स होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि इनके हॉर्न्स जो है इनको सेल किया जाता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस मकसद के लिए इनकी हंटिंग की जाती है। हुबारा बस्टर्ड यानी मारहो, इनके जो सींग होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए इनकी हंटिंग की जाती है। तो ये इनकी ओवर हंटिंग की वजह से ये रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसके साथ अगर मस्क डेयर को ले लें तो ये परफ्यूम में यूज़ होते हैं, ठीक है, इनकी जो ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स परफ्यूम के लिए, इनके स्मेल के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल अच्छी होती है, तो इस वजह से इनकी हंटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये भी एक्सटेन हो रही है। और द मोस्ट सीरियस थ्रेट फेस्ड बाय इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और पोल्यूशन की वजह से इनकी डॉल्फिन की ब्लाइंडनेस का भी खतरा है, ठीक है, क्योंकि ऑयल हो, जब वाटर पोल्यूटेड हो, वाटर में इम्प्योरिटी ज़्यादा हो, तो फिशेस के लिए भी खतरा है। तो इंडस रिवर में डॉल्फिन के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। पाकिस्तान में यहाँ पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं। फर्स्ट वन, इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट टू सेव इंडस डॉल्फिन। एक प्रोजेक्ट जो है वो IDP है, यानी इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसमें वाटर क्वालिटी चेक की जाती है, ठीक है, कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा किलिंग को प्रिवेंट किया जाता है, डॉल्फिन के किलिंग को प्रिवेंट किया जाता है। इरिगेशन जब होती है तो वहाँ ख्याल रखा जाता है कि कई फिश जो है किसी जगह पे ना पन जाए, ठीक है। इसके अलावा और क्या होते हैं, और इनकी प्रिवेंटेशन की जाती है डिफरेंट डेंजर चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि इनसे जो है अगर डॉल्फिन को हम देख ले तो डॉल्फिन से एक ख़ास किस्म की ऑयल ऑब्टेन की जाती है, और जो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में या मेडिसिंस में जो है यूज़ की जाती है, ठीक है, डॉल्फिन से एक ख़ास किस्म की ऑयल ऑब्टेन की जाती है जो मेडिसिंस में यूज़ होती है, ठीक है, Use in medicines. तो इसकी वजह से डॉल्फिन की भी फिशिंग की जाती है, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं कि वाटर क्वालिटी अच्छी है, मींस कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज़ होंगे तो इनकी वजह से डॉल्फिन की जो है डेथ होने का खतरा होता है। इसके अलावा इनकी किलिंग को प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ पर ख़ास किस्म के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इनकी प्रोटेक्शन करता है, इनकी हिफाजत करता है। इसके अलावा जब स्केटों को सैराब करते हैं इंडस रिवर से, तो कभी कभार डॉल्फिन के जाने का भी खतरा होता है, तो वहाँ पर डॉल्फिन पंस जाते हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट बंद लगाए होते हैं, ठीक है, तो ये भी चेक किया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंटेशन, इनकी मुख्तलिफ किस्म के खतरों से प्रिवेंटेशन की जाती है। लोग इनकी फिशिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे एक ऑयल ऑब्टेन होता है जो मेडिकल्स में यूज़ होते हैं, मेडिसिंस बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंपल आप लोग कहें कि मेडिसिंस बनाने में यूज़ होते हैं। सेकंड वन जो है प्रोटेक्ट एरियाज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मछियारा इन आज़ाद जम्मू कश्मीर मरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब इसमें जो है टर्टल की कंजर्वेशन की जाती है, ठीक है, यहाँ पर टर्टल की प्रोटेक्शन की जाती है, और टर्टल भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इनकी जो अपर शील्ड होती है वो लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। इनके लिए क्या बनाया जाता है कि एक अलग जगह बनाई जाती है जहाँ पर ये प्रिजर्व होते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। इसके अलावा इनकी ब्रीडिंग भी की जाती है, ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन भी की जाती है, और रिप्रोडक्शन की वजह से इनके नंबर में इंक्रीज होता है, ठीक है, नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, और हमारे साथ ये स्पीशी पर एक्सटेंड नहीं होते, ये पर ज़्यादा
अमाउंट में हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है बैन मीन के पाबंदी लगाई है हंटिंग ऑफ मारहोल यूरियल इन बलोचिस्तान, ठीक है, ये भी एक खास किस्म की वाइल्ड शीप है। यूरियल को हम कहते हैं वाइल्ड शीप, ठीक है, ये वाइल्ड शीप है। मारहोल पर भी बैन लगाई है और इनके लिए खास स्पेस बनाए जाते हैं, जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर इनकी ब्रीडिंग होती है, तो ब्रीडिंग की वजह से इनकी नंबर जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। न्यू बेबीज बनते हैं, न्यू मारहोल और यूरियल शीप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक लोग आते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है, जिससे जो लाइसेंस लेते हैं, ठीक है, मनी पे करते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि आप लोग हंटिंग करें और इनसे मनी कलेक्ट की जाती है और इन मनी से ये जो प्रोजेक्ट है ये चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को अलाउ किया जाता है कि आप लोग हंटिंग करें, तो वो एक मीन की ओवर हंटिंग नहीं करते, एक लिमिट में हंटिंग कर लेते हैं और पैसे पे कर लेते हैं और इन पैसों से इन एनिमल्स की हिफाजत की जाती है, इनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे होती है, इसी तरह प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जाते हैं। इसके बाद हिमालय जंगल प्रोजेक्ट है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन्स में भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो नेचुरल ट्रीज होते हैं, ठीक है, जिस तरह हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा नेचुरल ट्रीज है, इनकी प्रिजर्वेशन की जाती है। जिस तरह अगर आप लोग हिल एरियाज में देख ले तो वहाँ पर कोई भी ट्री जो है वो आसानी से नहीं कट कर सकता, डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इन पर बैन लगाई है, स्पेसिफिक लोग होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होते हैं हमारे साथ, नेशनल पार्क्स भी होते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, इनको फूड दिया जाता है, इनकी ब्रीडिंग की जाती है और इनकी जो नस्ल है उनको बढ़ाया जाता है, इसलिए इनकी ये स्पीशी एक्सटेंड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान, यहाँ बलोचिस्तान में सुलेमान रेंज में जो डिफरेंट नेचुरल हैबिटाट्स हैं, जो डिफरेंट नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, इनकी क्या की जाती है, प्रोटेक्शन की जाती है। नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो शुमाली इलाका जात है, तो वहाँ पर भी जितनी बायोडाइवर्सिटी है इनकी भी क्या की जाती है, प्रोटेक्शन की जाती है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इनके लिए फंक्शन करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल है बर पख्तून, हाँ, ये कभी कभी जब बर्ड जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं तो ये अच्छे खासी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो लोग क्या करते हैं इनकी जो है हंटिंग करते हैं, इनका शिकार करते हैं, ठीक है, जब ये माइग्रेशन कर रहे होते हैं तो इनकी वजह से भी स्पीशी एक्सटेंड होते हैं, तो इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स को जो है उनकी हंटिंग ना की जाए। हिमालय वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू चेक द हंटिंग ऑफ ब्राउन बियर्स, ब्राउन बियर्स ये प्रोजेक्ट जो है ये स्पेसिफिकली ब्राउन बियर्स की है और इसमें ब्राउन बियर्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मारहोर, ये मारहोर की तरह होता है लेकिन ये जो है ये थोड़ा इनसे डिफरेंट है, इसलिए इनको चिल्टन मारहोर कहते हैं। इनकी हॉर्न जो होते हैं, सींग जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनको सेलेक्ट भी किया जाता है फॉर मनी, मनी के लिए, तो लोग क्या करते हैं चिल्टन मारहोर की हंटिंग करते हैं, तो इनकी कंजर्वेशन के लिए भी प्रोजेक्ट है जो चिल्टन मारहोर की प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोग के पास बैन है, पाबंदी लगाई है बियर बैटिंग इन पाकिस्तान। बियर बैटिंग जो है ये गेम है, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि बियर के गले में जो है वो चेन या कोई भी चीज़ डाली जाती है और फिर इनके लिए स्पेसिफिक हंटिंग वाले डॉग्स होते हैं, तो इन डॉग्स को इन पे छोड़ा जाता है, तो ये क्या करते हैं कि बियर को बाइट करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक गेम है, पाकिस्तान में भी खेली जाती है और कंट्रीज़ में भी खेली जाती है।
चेन जो है इनके गले में लगाया जाता है, फिर हंटिंग होती है इनके लिए, डिफरेंट हंटिंग वाले डॉग्स होते हैं तो वो बियर को बाइट करते हैं, और लास्ट में सारे डॉग्स को बियर पे छोड़ दिया जाता है तो वो बियर को किल करते हैं, तो इनकी वजह से भी स्टेन होती है बियर की, डॉग्स की, तो इन पर भी बैन लगाया जाता है। ठीक है, बियर बाइटिंग की सिंपल मीनिंग है कि गुस्सा चढ़ाना, क्योंकि जब डॉग्स उन पर हमला करते हैं, बाइट करते हैं, मीन काटते हैं बियर को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मुकाबला बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी स्पीशी एक्सटेंड हो जाते हैं, तो इन पर भी बैन लगाई है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जिसके ज़रिए हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीडिंग कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो इनके लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ये काम करते हैं कंजर्वेशन का, और इनको सैलरी जो है वो पे की जाती है। ओके।